हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। सर, बहुत बड़े लेवल पर पूरे देश के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है सर। मुझे कुछ क्लू मिले हैं सर, मैं उसे जल्द ही आप सबके सामने लेकर आऊंगा। मुझे मारने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, फिलहाल मैं छिप गया हूं। विल मीट यू सून सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग माय डियर कलीग्स, प्लीज टेक योर सीट्स, लेट्स हैव अ लुक एट इट। 1999 में नासा और यूएस डिफेंस की साइट हैक हुई थी। इस हैकिंग की वजह से बहुत सारे डिफेंस इश्यूज हुए। 2009 में मायामी में 250 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैक हुए, उसकी वजह से लाखों क्रेडिट कार्ड डेटा मिसयूज हुए। 2014 में साउथ कोरिया में 20 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैक हुए। लाइट्स,
अभी उनका टारगेट हम हैं। अब तक आपने जो भी देखा है उसे याद रखिए। कब होगा, कैसे होगा, ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस मत पूछना। मैंने आप लोगों से जो भी कहा वो सच में होने वाला है। We are under attack, cyber attack। ये हैकर्स कौन है ये नहीं बता सकता, लेकिन इनका टारगेट है इंडिया। इन केस ये लोग सक्सेसफुल होते हैं तो इनका प्रभाव इंडिया में बहुत होगा। वी शुड स्टॉप इट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री। लेट्स फेस द वॉर, साइबर वॉर। मेरे शंकर कैलाश ऑन द वे सर। सुनिए, वो सब मैं नहीं जानती। पैसा दो और यहाँ से निकलो। पर मैडम एक बार लक्ष्मी समझने की कोशिश तो करो। क्या बात है? दो घंटे इंटरनेट यूज करके पैसा नहीं दे रहे हैं सर। पैसे क्यों नहीं दे रहे? पैसे नहीं है सर, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन भरने की सर आज लास्ट डेट थी, नहीं भरा तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी मुझे। सिचुएशन जो भी हो, तुमने जो किया गलत है। मैं मानता हूँ कि गलती हुई है, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा सर। कुछ भी कर लोगे क्या? बिल्कुल करूँगा। जैसे ही स्कॉलरशिप मिलेगी तुम्हें यहाँ आना होगा, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक तो सबके पास स्मार्टफोन है, बिजनेस भी ठंडा चल रहा है, ऐसे में पैसा नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? लक्ष्मी, यू नो व्हाट, इंडिया में 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। नंबर्स में बोलूं तो मोर देन 30 करोड़। वैसे हम भी ये धंधा पैसों के लिए नहीं कर रहे ना, उसके लिए हमारे पास नेटवर्किंग बिजनेस है ना। वैसे 30 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों की हेल्प हो जाएगी हमसे, और क्या चाहिए। एक तो इसने मुझे क्रांतिकारी बना दिया है। यार, इन लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमारे पास 4 और सिस्टम्स है ना, वो भी फ्री में दे देते हैं। सुपर यार। अंकल, हाँ? चॉकलेट? हाँ देता हूँ ना, ये लो। पर आपने कहा था अच्छी वाली लाएंगे। बहुजाती व्यवस्था में चीजों को खरीदना निवेश करने के तरीकों को पोषण करने जैसा है। अंकल, हिंदी में समझाइए ना।
रवि जाएगा तो काम हो जाएगा। या सर, एग्जैक्टली। क्या हुआ, इतना थका हुआ क्यों है? क्यों नहीं थकूंगा यार, देखना बाहर कितनी धूप है, ऐसा लग रहा है जैसे मर जाऊंगा। शाम से पहले यहाँ से नहीं निकलूंगा, तब तक यहीं बैठ के कुछ काम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ यार, कैपिटलिज्म इज सच अ फेलियर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही तो गर्मी क्यों नहीं होगी? दैट वे कम्युनिज्म इज फार बेटर। ये यहाँ क्या कर रही है? ए, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मुझे कुछ काम में आता हूँ। पर अभी तो कह रहा था बाहर बहुत धूप है। मैंने कहा ना कुछ अर्जेंट काम है। अरे अभी तो कह रहा था शाम तक चला जाऊंगा, क्या हुआ? अरे यार समझा करना यार, मैं जल जाऊंगा मुझे परवाह नहीं है, लेकिन वो मेंटल वहां बैठी है ना, वो मेरा दिमाग खा जाएगी यार। तू उसे मैनेज कर लेना प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं जा रहा हूँ। नहीं तू मैनेज कर, 5 मिनट में आता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए। प्रिंट नहीं आ रहा है। आपने कमांड नहीं दिया होगा। कमांड दिया ना, देखिए पहले मैंने प्रिंट टाइप किया और फिर एंटर दबा दिया। ऐसी चीजें टाइप करके एंटर मारने से काम हो जाता तो मेरी जिंदगी आसान होती। हेलो, 1 मिनट। अब क्या हुआ? कुछ फाइल्स मैंने सेव की थी, मिल नहीं रही हैं, पता नहीं कहाँ सेव हुई है। फाइल सेव किया मतलब सेव टाइप करके एंटर मार दिया, यही किया है ना तुमने? Exactly. पहले तुम वो विंडो क्लोज कर दो। हाँ, लेकिन यहाँ विंडो कहाँ है? पता था यही कहोगे, लगता है जैसे स्टोन एज से निकलकर सीधा यहाँ आकर बैठ गई हो। हेलो, जस्ट 5 मिनट्स, प्लीज हेल्प मी, प्रिंट आउट चाहिए मुझे। ए, ऐसी सिली चीजें मेरे साथ मत किया करो, दोबारा अगर यहाँ आना चाहती हो ना तो किसी को अपने साथ मदद के लिए लाया करो। हाँ? हेलो, या आई विल डू दैट। हे अंजलि, अंजलि, तुम मुझे ऐसे फॉलो क्यों कर रही हो? तुम खुद को अल्लू अर्जुन समझते हो क्या? मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूं? मेरा हॉस्टल वहां है। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो। बहुत भूख लगी है, सोचने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी बढ़ानी है तो फेवरेट आइसक्रीम खानी होगी। पता है, मुझे सब पता है। जरा रुको ध्रुव, मैं जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग को एनर्जी चाहिए ना, मैं जाकर ले आता। हे ध्रुव, इतना डोमिनेट क्यों कर रहे हो तुम? मुझे क्या छोटा बच्चा समझा है? जब देखो उस बच्चे के साथ क्यों खेलते रहते हो, एक बार मेरे साथ खेल कर देखो। मैं खूबसूरत लड़कियों के साथ माइंड गेम्स नहीं खेलता। तो फिर किस तरह का गेम खेलते हो? दिमाग से काम नहीं करता, दिल से करता। ठीक है, फिर खेलते हैं। The interesting fact is, you should know how to play and how to win the game. Play to win, not lose. Really? Interesting. इस तरह के गेम किस जगह खेलनी चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है, जरूर खेलेंगे हम। Two scoops of chocolate ice cream. Mango वाली दे दो। No, butterscotch दे दो। Fix, vanilla ही दे दो। अंजलि, लेट्स गो। ओके। रात को टीवी मत ऑन कर देना। हे, कहा था ना डोमिनेशन मत करना। ये डोमिनेशन नहीं है, डिसिप्लिन है। तुम जो कर रही हो ना वो डोमिनेशन है, सो जा। ध्रुव, क्या तुम मोहिनी से प्यार करते हो? ए, तुम्हारी उम्र क्या है, ये सवाल जरूरी है क्या? मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, आई एम 8 नाउ। वो लव नहीं है। फिर क्या है बताओ? सन के चारों ओर अर्थ घूमती है, पर क्यों? ग्रेविटेशन।
एसोसिएशन. एग्जैक्टली, दैट इज जस्ट अट्रैक्शन. लेकिन क्या वो दोनों एक दूसरे से कभी मिल पाते हैं? नहीं. मोहिनी और मैं भी कुछ ऐसे ही हैं. हम दोनों हमेशा दूर ही रहेंगे. चलो सो जा. तो फिर श्रेया, उससे जरा संभल कर ही रहना. उससे जितना दूर रहोगी अच्छा होगा. ओके सो जा. मैंने सोचा कोई और होगा, मगर ये तो तुम हो. ये सब क्यों किया है तूने? तुम्हें एक ऑफर देने के लिए. What? Yes, मांगो. जो मांगोगे दूंगा. जो चाहिए मांग लो. Let me think. Cars, bungalow, girls, big digital bank accounts, foreign tours, नहीं तो मौत. बॉस, लास्ट वाला ऑप्शन बहुत सही है. इस 1000 स्क्वायर फीट साउंड प्रूफ रूम में हम इसे आराम से मार सकते हैं. राइट. 1000 स्क्वायर फीट एरिया, साउंड प्रूफ वॉल्स, 1, 2, 3, उसमें टोटल 8+1 टपोरी है. बट तुम्हें एक बात जरूर जाननी चाहिए. पता है यमराज जी ने क्या कहा है? कि मैं तुम सबको गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा दे दूं. रौरारम, कालसूत्रम, सुखर मुखम, प्राण रोधम, अवीची, सूल प्रोथम, सरमेयासनम. आई प्रोमिस यू ऑल, आई विल नॉट लेट यू ऑल डाई साइलेंटली. मैं तुम सबको साइलेंटली मरने का मौका नहीं देने वाला हूं. दैट्स इट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Oh!
या बेबी जस्ट केम हियर वेयर आर यू हेलो ए तुम यहाँ क्या कर रही हो हे पब सिर्फ तुम ही आ सकते हो लड़कियाँ भी आ सकती हैं ए मजाक कर रही हूँ बुरा मत मानो चलो बैठो ना मैं जानता हूँ मुझसे ही मिलने आई हो लेकिन मुझ पे ट्राई मत करो जान गए ये जान गए हो कि मैं तुम पर ट्राई कर रही हूँ इसके बावजूद भी तुम इस पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो रिस्पॉन्ड करना लड़कों की सामाजिक जिम्मेदारी होती है हे सिट सिट किसी लड़की के पीछे कभी बैठे नहीं क्या इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो मुझे अच्छे से चलाना आता है तुम्हें मैं कहीं गिराऊंगी नहीं हर रोज मैं इतनी दूर चला कर आती हूँ पता है तुम्हारे लिए ही मैं इस हॉस्टल में रहने आई हूँ सो गए क्या चलो उतरो यहाँ क्यों लाई हो कहा ना उतरो वाओ दिस इज माय फेवरेट प्लेस पता है क्यों तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल यहीं से जुड़ा हुआ है चलो हमारी कहानी यहाँ हर एक पेड़ हर एक बेंच को पता है उन सारे स्टार्स को भी पता है पागल हो क्या सही कहा मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ और ये मेरी सच्चाई है सपना नहीं है हे रुको जब देखो हमेशा मुझसे दूर भागते रहते हो ऐसा क्यों जस्ट रिलैक्स खुद को तो मैं हजारों बार बोल चुकी हूं पर तुम्हें पहली बार बोल रही हूं तुम मुझे बहुत पसंद हो आई लव यू मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं चलता हूं हेलो तो फिर मुझे भी अपनी जिम्मेदारी समझो एक बार सोच कर तो देखो सब सही हो जाएगा एक ना एक दिन तुम्हें भी प्यार होगा मैं अच्छे से जानती हूं टैक्सी पंचकुट्टा कॉलोनी The wrong person? एक आम आदमी गलती कर सकता है लेकिन इतनी प्लानिंग और हार्ड वर्क के बाद मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं एजेंसी ने मुझे रिक्रूट क्यों किया इसका मतलब मेरे पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है पता लगाना होगा हमारा प्रोफेशन और मिशन एवरीथिंग इज अ सीक्रेट तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी फैमिली यहां तक कि बीवी को भी नहीं पता होना चाहिए एक सोल्जर पर जब हमला होता है तब वो फाइट करता है बट एन आईपी ऑफिसर फाइट्स ईच एंड एवरी डे एक स्पाई के लिए हर दिन लड़ाई होती है के बाद तुम्हें दो जिंदगी जीनी होगी एक जिसे सारी दुनिया जानती है अ कॉमन मैन और दूसरा एजेंट ध्रुव द नाइट
Congratulations. Thank you, sir. All the best. You're joining orders. This is your ID. Thank you, sir. Do your duty well. मैजिशियन सिर्फ मैजिक करता है, वो हम देख सकते हैं, लेकिन वो मैजिशियन गलत नहीं करता। तुम्हारा फोकस मिस नहीं होता है, लेकिन वो मैजिक हो जाता है। तुम्हारे समझने से पहले सब कुछ हो चुका होता है। सो तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि तुम सच जानने के लिए नहीं आए हो, जो झूठ है वो जानने के बाद भी उसे मानने के लिए तैयार हो जाते हो। So nice. हाँ। ध्रुव कहाँ गए थे? यहाँ क्या हुआ पता है? One game. Sure sir, she'll enjoy it. सुना है तुम स्टेट लेवल के चैंपियन हो? हम लोग एक गेम खेलेंगे, इट्स एन ऑनर। ओके सर, यू गो विथ मोहिनी, हैव एन आइस क्रीम। गेम खत्म होते ही आई जॉइन। ओके, कम ऑन अंजलि, वी विल हैव फन। ये रेडी? यस सर। आपने अंजलि के साथ जो गेम खेला उसमें आप जानबूझ के हारे ना? ऐसा कुछ नहीं है, वो वाकई अच्छा खेलती है। In fact, she's unpredictable. वैसे आप करते क्या है? Checkmate. तुम्हारी हर मूवमेंट को मैं पहले ही गैस कर लेता हूँ। What? I mean, I know mind reading. हाँ, ये मजीशियन है। मजाक मत कीजिए सर, आपने एक गेम क्या जीत लिया, आप माइंड रीडिंग करने लगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये शतरंज है सर। शैल वी प्ले वन मोर गेम नेक्स्ट टाइम? हेलो निकला? नहीं यार, मैं सेकंड शो के लिए जा रहा हूँ यार, मैं नहीं आ सकता। अरे हम लेट हो जाएंगे यार। ठीक है, ओके बाय। आज कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो? जंगल में मंगल फिल्म रिलीज हुई है, वही देखने जा रहा हूँ। क्यों ऐसी खून खराबे वाली फिल्में देखने जाते हो यार? ब्लड तो हमारे बॉडी में है यार, और कम्युनिज्म हमारे खून में है। मुंह खोलते ही कम्युनिज्म, कोई और काम नहीं है क्या यार? तो कम्युनिज्म को इतने हल्के में ले रहा है, अबे उसने पूरी दुनिया बदल दी है। चल वो सब छोड़, हमारी जो फ्री सर्विस कैंपेन थी मुझे बता वो कहां तक पहुंची है? अरे हाँ बताना भूल गया यार, फ्री कैंप हमने स्टार्ट कर दिया है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है यार। बता क्या करना चाहता है? तू तो अच्छी तरह से जानता है यार, जिसके पास पैसा उसका राज चलता है, और वो जो बोलता है वही सही होता है, और इसकी वजह से दुनिया में सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ गई है। ए हेलो नेटवर्क, अरे इसको क्या समझेगा नेटवर्क, तुम्हें पता नहीं है कंप्यूटर नहीं चल रहा है, चलो जाओ यहाँ से। हेलो हेलो दीदी, यार इसके पास दिमाग नहीं है क्या? बुला रहा हूँ तो उसे छोड़ना, तू बोल। अच्छा हाँ मैं कुछ बोल रहा था, सो देयर इज अ ग्रोइंग सोशल इनइक्वालिटी, उसे दूर करना यार, और यही मेरा पॉइंट है। हमारी सोसाइटी में हर तरफ समस्या है, गुस्सा करना इस बात का सोल्यूशन नहीं है। चुपचाप बैठे रहना भी सोल्यूशन नहीं होता है वैसे भी। हेलो ब्रदर, प्रॉब्लम राउटर की है, नेटवर्क की नहीं। राउटर का रिकॉन्फ़िगरेशन किया, अब वो अच्छे से काम कर रहा है। ए, इसे यहाँ नौकरी दे दे क्या? जब मैं रिजाइन कर दूंगा तब देना, समझा ना? बड़ा आया जॉब देने वाला। तुम फिर पीछे पीछे क्यों आ रही हो? मैंने ही श्रेया को कैफे आने को कहा था। हे कम कम। हे हैंडसम। हे। गेम खेले क्या? कौन सा गेम? एक इंटरेस्टिंग गेम खेलने का प्लान किया है, खेलोगे ना? तुम दोनों वहां जाकर बैठो, मैं अभी आता। व्हाट इज दिस मोहिनी? अंजलि के सामने उस दिन भाग क्यों गए थे?
काम था इसलिए गया। मतलब हर एक जगह काम के लिए आते हो क्या? कौन है वो लड़की? गर्लफ्रेंड है क्या? तुम ग्रेविटेशन के बारे में जानती हो? तुम्हारे जितनी थी तब पढ़ा था। मुझे भी अभी अभी पता चला। Yeah, I know. You are very workaholic. धरती और सूरज कभी एक नहीं हो सकते, हाँ? Anyways, Mr. विश्वनाथ is waiting for you. Oh. Hello, sir. Hey, hello. मैंने सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी। तुम्हारा इंतजार था। बैठो। बहुत टायर्ड लग रहे हो। साइबर कैफे का बिजनेस कैसे चल रहा है? आप कैसे जानते हैं? सब कुछ सुनकर जानने की जरूरत नहीं होती है, कुछ देखकर बोल सकते हैं और कुछ अंदाजा लगाकर। मैंने आपसे जो सवाल किया है उसका जवाब नहीं दिया आपने। वेरी सिंपल, थिंक डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एक्टर बनना चाहता था तो जो एक्सप्रेशन आता था उसे मैनेज करता था। वन फाइन डे, एक्टिंग का मतलब जो आता है वो करना नहीं बल्कि जो नहीं आता है वो करना है, ये मुझे समझ आया। अगर आपको जिंदगी में कुछ नया सीखना है तो आपको अपने हर मूवमेंट को री इन्वेंट करना होता है। ऐसा एक टीचर ने कहा तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं राइट हैंड से लिखता था, उन्होंने कहा लेफ्ट हैंड से लिखो। मैं लेट सोता हूँ, उन्होंने जल्दी सोने के लिए कहा। मैं चाय के अलावा और कुछ नहीं पीता तो उन्होंने कहा कि चाय के अलावा सब कुछ पियो। बहुत ही सिंपल थ्योरी है। मेरी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलने के लिए कहा गया। कोई फायदा हुआ? बहुत। आदत भी बदली, सोच भी बदली, हर एक बात को नए नजरिए से कैसे देखना वो भी सीखा। रूटीन में चलने वाले दिमाग ने एकदम नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया। तो फिर एक्टिंग का क्या हुआ? बदली हुई आदतों से मैंने फिर कुछ नया करने का सोचा। चेकमेट। हाँ, मैं 2 दिन के लिए शहर में नहीं हूं तो हम गेम ऑनलाइन खेलेंगे। मजीशियन 007 मेरी आईडी है। कीप प्लेइंग। बाय। See you soon. See, we need to deliver this order immediately. Okay, madam. मोहिनी, मैं सब चेक कर लेता हूँ। Yeah? तुमने अंजलि को कहीं देखा क्या? अंजलि is waiting outside. अंजलि, तुम रोज यहाँ आती हो क्या? हाँ, रोज आती हूँ। आइसक्रीम, 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 चॉकलेट आइसक्रीम, प्लीज। कितना हुआ? 30 रुपए हुए सर। मुझे 2 आइसक्रीम चाहिए। हे ध्रुव, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी, वनीला। रुको रुको, मैं अभी आती हूँ। अंजलि, अंजलि, रुको। हे अंजलि, 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 are you okay? श्रेया, 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 श्रेया उठो, श्रेया। घबराइए मत, she is perfectly all right. फर्स्ट एड कर दिया है, थोड़ा रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी।
सर्जिकल नाइफ से गला काटा गया है। क्लीन कट, परफेक्ट प्रिसिशन से। डॉक्टर चलपति हैं क्या? जी, सेकंड फ्लोर पर। सर, वो अभी मीटिंग में हैं। ओके, थैंक यू, आई वेट आउटसाइड। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर चलपति? आपसे कुछ बात करनी है। आ रहा हूं, बाहर वेट कीजिए। ओके। सर, आई जस्ट कम बैक। या, यू कैन गो। फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन व्हाट वी नीड टू डू इज, शिवराम को क्यों मारा? बोल। बताता हूं। उसे हमारे और मिशन के बारे में सब पता चल चुका था। गुड मॉर्निंग शिवराम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आप अचानक यहां कैसे? अंदर आइए ना। थैंक यू। थोड़ी देर पहले जब तुमसे बात हुई तो फोन पर तुम्हारी आवाज डर लगी। यहां से जा रहा था तो सोचा मिलता चलूं। प्लीज टेक अ सीट। श्योर। Are you feeling better now? Are you okay? Perfectly okay. But thanks for coming. हमारे प्लान के मुताबिक मैं शिवराम से क्लोज हो गया। शिवराम के गले के पीछे एक छोटी सी गांठ थी। मैंने उसका टेस्ट करने को कहा और कहा इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। उस ट्रीटमेंट के सिलसिले में हमारी दोस्ती और बढ़ गई और एक दिन अचानक शिवराम को मारने का ऑर्डर आ गया। मिशन क्या है? हाँ, उसे मारने का ऑर्डर किसने दिया? बोल। बताता हूँ। एक्चुअली मैं एक आईपी ऑफिसर हूँ। वो ऑर्डर उन्होंने दिया था। Hit!
ये भी एक आईबी ऑफिसर है। हेलो, लगता है भाग भाग कर थक गए हो। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दो मछली के बच्चे स्कूल जा रहे थे। एक बड़ी मछली ये कहकर चली गई कि आज पानी बहुत अच्छा है, तो मछली का बच्चा तैरना छोड़कर ये सोचने लगा कि असल में पानी होता क्या है, तो दूसरी मछली से पूछा, इसका मतलब ये है कि आपके आसपास क्या होता है ये आपको भी नहीं पता होता है। पानी का मतलब है एटमॉस्फेयर, और वो पल्यूट हो जाता है। तो अगर जीना चाहते हो तो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाओ। ये सब कुछ आप ही करवा रहे हो ना? मे बी और मे नॉट बी। लेकिन आप चाहते क्या है? और एक गेम खेलेंगे, फाइनल गेम। अगर तुम जीते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हार गए तो मारे जाओगे। गेट रेडी। असल में हो क्या रहा है ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इस सब के पीछे कौन लोग हैं और वो ये सब क्यों कर रहे हैं, इसका पता कैसे लगाएंगे? विश्वनाथ, आई नो हिम, मैं मिला भी हूं। उनका असली नाम है शंकर कैलाश, आईपी जॉइंट डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर? अनफॉर्चुनेटली यस। कुछ दिन पहले मुझे इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन मिली। एज यू नो 2016 नवंबर से हमारे देश का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डिजिटलाइज्ड हो गया। नाउ आवर डिजिटल सिस्टम इज अंडर अटैक। इंडियन इकोनॉमी को हैक करने की बात पता चलते ही मैंने और शंकर कैलाश ने मिलकर एक टीम फॉर्म की थी। विशाल, आनंद, चलपति, शिवराम। इस हैकिंग इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे शिवराम को और शंकर कैलाश को ही पता था। कुछ दिनों के बाद शिवराम मारा गया। उसके बाद बाकी के एजेंट्स भी एक के बाद एक मारे गए। शंकर कैलाश को पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हमारे हाथ नहीं लगा। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था शंकर कैलाश, लेकिन तुमने पैसों के लिए टेररिस्ट से हाथ मिला लिया। जब शिवराम को इसके बारे में पता चला तब तुमने उसे मरवाया। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। भरत, ले जाओ इन्हें। लेट्स गो सर। एक मिनट रुको, दरवाजा खोलने से पहले सच क्या है वो जान लो। हम दोनों फ्रेंड्स ही तो हैं। ओपन द डोर। अब तुम्हारा टास्क क्या है पता है? शंकर कैलाश को अरेस्ट करना। I'll definitely arrest him, sir. एक बात याद रखना, शंकर कैलाश लोमड़ी की तरह है, बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो अचानक से कब और कैसे आएगा, किस तरफ से अटैक करेगा, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। Be careful. Joseph, I'm sending you a picture. Please update me. ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? तुम भी मेरे साथ आ रही हो। Get ready. क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुम कहीं नहीं जा रही हो। श्रेया को भी हमारे साथ लेकर चलो, प्लीज। तुमसे एक बार कहा है, वो समझ में नहीं आया? Go get ready. रवि। हाँ बोलिए। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से दूर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछ, काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा तो तुझे सब बता दूंगा। यार तू ये क्या बोल रहा है यार, तू भी ना यार। अबे
साथ आना है तो एक शर्त है, मैं जो भी कदम उठाऊं सवाल नहीं करोगे। तो फिर तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? समझ गई, समझ गई। लेट्स गो। हेलो मैम, वेलकम। हेलो। हेलो। आपकी बच्ची बहुत क्यूट है। हम दोनों भी तो क्यूट कपल ही हैं। या टू रूम्स प्लीज। ओके सर। अंजलि के लिए दूसरा रूम क्यों? वन रूम। श्योर मैम। रूम किसके नाम से बुक करना है सर? अर्जुन रेड्डी। श्योर सर। मिस्टर एंड मिसेस अर्जुन रेड्डी। ओके मैम। जीसस, थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। जीसस, व्हाट? बॉटल, चिप्स। जीसस, व्हाई डू यू लव मी सो मच? आई एम योर फेवरेट चाइल्ड ना? आई नो। बॉटल, चिप्स। नॉटी। जीसस, यू आर नॉटी, हाँ? कमिंग। हाउ डू आई लुक जीसस? व्हाट इज दिस जीसस? आई एम नॉट योर फेवरेट चाइल्ड। हे जोसेफ द पायरेट, कैसे हो? कैसा हूं, बिन बुलाए टपक पड़ा, नसीब फूटे। चला गया। थैंक यू जीसस। अंदर आ ही गया। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हमें साथ में बैठे हुए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चिल करने के लिए आ गया। जीसस, तुमने इसे यहां पर भेजा है ना, इस मुसीबत को? और बता, बिजनेस ठीक चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, चल रहा है। अरे जोसेफ, उधार मांगने तो नहीं आया ये? कमिंग। जोसेफ बेटा आइए, थोड़ा आप लेना चाहेंगे क्या? तुम लोग पियो, तुम लोग पियो। बेटा इस महीने का रेंट ट्रांसफर कर दिया है ना? कर दिया ना सर, आपको फोन पे मैसेज भी दिखाया था मैंने। मैसेज में तो है लेकिन बैंक में दिख नहीं रहा है बेटा। दिखाई कैसे देगा, मैंने हैक जो कर दिया है। वो सर क्या है ना, एक्चुअली आईटी वाले आजकल ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसे माइनस कर देते हैं। ईएमआई ना भरो तो सामान वापस हो जाता है। दोबारा से करूं क्या मैं? नहीं 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 नहीं, हर महीने तुम डालते जा रहे हो ना, वो कटते जा रहा है। ओके। तो बेटा एक काम करना, अगले महीने से तुम कैश दे देना। चांस ही नहीं है सर, मैं आज के जमाने का आदमी हूँ, भिखारी को भी दूंगा तो डिजिटल ही दूंगा। जय डिजिटल इंडिया। वाह बेटा, डिजिटल की जय। यस, जय डिजिटल इंडिया। अबे क्या कर रहा है, ऐसे छोटे लोगों को हैक करके कब तक धोखा देता रहेगा? तो क्या सीधा आरबीआई को हैक कर दूं? हाँ, देश की पूरी डिजिटल इकोनॉमी को हैक करके बता, तो मानूंगा। थोड़ा ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? अच्छा वैसे ऐसा कर सकते हैं क्या? तू एक काम कर, तू जाके मजीशियन से मिल, वही ये सब कर सकता है। बताना पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है यार। अरे लेकिन मैंने तो सुना है कि कोई एक्चुअली ऐसा कर रहा है। समझ गया मैं, तू ये बॉटल ले, ये ग्लास ले और निकल जा यहाँ से। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एजेंसी वर्क। ये एजेंसी वर्क नहीं है यार, पर्सनल है। पर्सनल है? आर यू सीरियस? 100%। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसमें कैसे फंस गया हूँ, किसी तरह से मेरी हेल्प करके मुझे इसमें से बाहर निकाल। पॉसिबल तो है यार, लेकिन अरे बता ना। इसके लिए मुझे सैटेलाइट को हैक करना होगा, और इसके लिए पहले मुझे वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। नाम के लिए डिजिटल इंडिया है, वाईफाई नहीं है यहाँ पर। छिछे, मतलब सैटेलाइट को हैक कर सकते हैं?
इम्पॉसिबल ब्रो, हायर सिक्योरिटी फायरवॉल सिस्टम की वजह से कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन करता है सैटेलाइट। अगर इस कम्युनिकेशन सिस्टम से सैटेलाइट को डिस्कनेक्ट कर दे तो? वो कोई खाने की बात है क्या? ये सारा सिस्टम टॉप सीक्रेट प्लेस पर होता है। ऐसे सिस्टम को एक बार में डिस्कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है यार। लेकिन अगर हम कुछ हाँ, लेकिन क्या? सैटेलाइट के अपने आप डिस्कनेक्ट होने के चांसेस जरूर होते हैं। समझ नहीं आया ना? सी बेसिकली होता यूं है कि सारे सैटेलाइट्स चक्कर काटते वक्त एक डार्क जोन में चले जाते हैं और उस टाइम पे सैटेलाइट और सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है। उस टाइम का हम फायदा उठा सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं यार। तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगी, डिटेल में समझाता हूँ, रुक जा। पहले तो ये सब हटा, चल हटा, जल्दी कर। ओके, सी बेसिकली ये अर्थ है और ये एस्ट्रे सन है और ये है सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट हमारी धरती के चारों ओर घूमता है। इतना तो पता है ना तुझे? सूरज कभी चक्कर नहीं लगाता, वो वहीं रहता है। हाँ, और ये धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी पता होगा। और फिर इस प्रोसेस में एक बार ये जो सैटेलाइट है सूरज और धरती के एकदम बीच में आ जाता है, एट अ सर्टेन पॉइंट, और यहां से आने वाले सन रेज की वजह से ये डार्क जोन बन जाता है बस कुछ देर के लिए, और उसी टाइम पर हमें पीना चाहिए, हैक करना चाहिए। वैसे कम्युनिकेशन ब्लॉक कितनी देर के लिए होता है? मिनट्स में कहूं तो 2-3 मिनट्स मैक्स। और ऐसा हर साल होता है क्या? हर साल होता है इसका आइडिया तो नहीं है मुझे, लेकिन हमें करना है तो इसे हैक करने के लिए एक सॉलिड सिस्टम चाहिए होगा, इसके लिए एक एक्सपर्ट टीम चाहिए होगी और एक एपिसेंटर चाहिए होगा। मतलब तेरी लैंग्वेज में बात करूं तो एक फेक सैटेलाइट बनाना होगा। लेकिन हमें ऐसी टीम कहां मिलेगी? 2-3 दिन में एक टीम हैदराबाद आने वाली है, वो लोग वर्ल्ड के टॉप 10 हैकर्स में से एक है। उनके होटल का नाम याद नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, कुछ एक्सपर्ट हैकर्स बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। वो सैटेलाइट को हैक करके आरबीआई को लूटना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा, करोड़ों लोग सड़क पर आ जाएंगे। ए जोसेफ, अरे सोने देना यार। तुझे किसी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए फोटो भेजी थी, क्या हुआ? किसी काम में लगा हूं, हो जाएगा तो बता दूंगा। किसी काम का नहीं है। Sweden, right? Yes, exactly. Namaste, sir. How can I help you? Where's the conference hall? This way, sir. Thank you. You're welcome, sir. This is the first time I'm coming here. I'm excited a lot. My company asked me to attend this meet. How was your last time experience? It was great. I got very good opportunities the last time I came. Oh, great, man. You would enjoy it, trust me. Oh, sure. IDs, please. Yeah, you can go. Excuse me. Show me your ID. ID room, man. मेरा दोस्त लेकर आ रहा है। सॉरी सर, तो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। वेलकम टू द 5th इंटरनेशनल हैकर्स कॉन्फिडेंशियल मीट हैदराबाद। वेलकम। अराउंड द वर्ल्ड ऑल ऑफ द नेशंस फेसिंग साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। Start the fight again. Excuse me? Yes. Can I have a minute? Okay, go. Thank you. So we should unite to prevent unethical hacking. Thank you, sir. Yes? Can I go out? Okay, go. Thank you. Cybersecurity is our prime responsibility. It's complete bullshit. I don't agree exactly. with this. Exactly. So, excuse me, please. Go. Thank you. This is really ridiculous. He's wasting our time. It's boring. Yeah, right. Thank you.
He said fight against unethical hiking, sir. Then he said united we prevent. Exactly. Nice. David, why did you come here? To hack. Yes. Your wine, sir. Excuse me. Come here. Take this. Keep the change. Thank you, sir. You're welcome. Cheers, guys. Cheers. You know what, guys? Where exactly? And what for? We have to get at some places. Find the location. We'll get to know there and then. Joker and Giant Joker. Joker? Kya keh rahe hain ye log? I'm telling you, bro, we will get a lot of money from this. Our lives will be settled. Okay, sure. At any cost, we have to do it. Wow, someone is following. Watch out. Run, let's go. Hey! Me. What are you talking about? I'll kill you. No. Where are you going? Please, man. What are your plans? You don't know anything about it. Tell me! Man, please, man, let us go. We don't know anything. Who are you? शिवराम के साथ उसी एजेंसी में काम करती हूँ। इंटरनेशनल हैकिंग टीम ने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को टारगेट किया है और ये सुनकर उसे रोकने के लिए आईबी ने एक टीम फॉर्म की है। शिवराम हमारी टीम का एजेंट है। उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से टीम मेंबर्स हैकर्स को सपोर्ट कर रहे हैं।
इसका क्लू मिला था। शिवराम ने एजेंसी को इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और अनफॉर्चुनेटली शिवराम की मिस्टीरियसली मौत हो गई। मरने से पहले शिवराम ने मुझे फोन किया था और कहा था कि मिशन के बारे में कोई जरूरी बात करनी है। बताने से पहले वो मर गए और फिर अनऑफिशियली ये केस तुम्हें सौंप दिया गया और फिर एक एक करके सभी करप्टेड ऑफिसर्स का सच सामने आ गया। जब आनंद की मौत हुई तब मैंने ही मैसेज किया था कि गलत इंसान की मौत हुई है क्योंकि वो लोग तुम्हें टारगेट कर रहे थे। उसके बाद शेखर, चलपति और विशाल की भी मौत हो गई। जो भी लोग मरे वो देशद्रोही थे, इसलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ देश के लिए तो अच्छा ही हुआ। मतलब प्यार के नाम पर तुम मेरे पीछे पड़कर ये सब? यस, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। लेकिन झूठा प्यार करते करते धीरे धीरे मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया। वो प्यार नहीं है, धोखा है। प्यार के नाम पर धोखा दिया है तुमने मुझे। नहीं ध्रुव, मैंने झूठ कहा था। मैंने जो चुना वो रास्ता गलत था, लेकिन ये मेरा प्यार सच्चा है। तुम्हारे साथ बीता हुआ हर एक पल सच्चा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब सुनकर भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं कैसे प्रूव करूं कि मेरा प्यार सच्चा है ये मैं नहीं जानती। गो गो, योर मिशन इज ओवर राइट नाउ, यू आर अ फ्री एजेंट। मिस श्रेया, कांग्रेचुलेशंस। तुम कह रही हो तुमने मुझसे प्यार किया, सच्चा प्यार, लेकिन प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं है। फॉर मी इट्स माई लाइफ। प्यार नदी जैसा है, एक बहती हुई नदी जैसा। चाहे जो भी हो जाए, कितनी भी रुकावटें आए, आखिर में वो समंदर से मिलकर रहती है। प्यार ये नहीं है कि नदी समंदर से दूर हो जाए, उन दोनों को मिलना ही है, यही प्यार है। Unpredictable. हाँ जोसेफ। मजेशियन विश्वनाथ का आईडी मैंने ट्रैक कर लिया है। लोकेशन भेज रहा हूँ तुझे, तू चेक कर लेना। थैंक यू वेरी मच। यस ध्रुव, शंकर कैलाश के घर का एड्रेस मिल गया है सर। वो किसी भी कीमत पर मिस नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपको लोकेशन भेज रहा हूं। आई एम ऑन माय वे। Yeah.
बोलो ध्रुव। सॉरी सर, एनकाउंटर में विश्वनाथ मारा गया है। मरने से पहले उसने कुछ कहा? उसे जिंदा पकड़ने के लिए मैंने अपनी जान लगा दी सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे मारना ही पड़ा। दैट्स ओके, मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रहा हूं, तुम आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो डिसाइड करेंगे। ओके सर। ये सब क्या हो रहा है? ओके। क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, तानी स्लो लर्नर है। तानी को कितना भी समझाती हूँ ना, वो लेटर्स रॉन्ग ही बोलती है। इसलिए लेटर्स के पीछे लिखे नंबर से उसे अल्फाबेट सिखा रही हूँ। जी दिखाना। हाँ। और ओ? हाँ। के देना, ई और आर। हाँ। हेलो, तूने जो फोन नंबर भेजा है वो रुखसाना का फोन नंबर है ना? थैंक यू बॉस। अबे वो रुखसाना का फोन नंबर नहीं है, मैंने तुझे कोड भेजा है, डीकोड करके बता दे। डन। बोल जोसेफ। मेरी बात सुन, मैंने उस कोड को डिकोड किया है, बेसिकली वो कंटेनर का नंबर है। कंटेनर का नंबर? अभी वो वाइजेक पोर्ट से मूव हो गया है, बाकी डिटेल जल्दी भेजता हूँ तुझे मैं। थैंक यू। हेलो। हेलो सुन, मैं तेरे ही कॉल का वेट कर रहा था। लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? यार लोकेशन के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। लोकेशन ढूंढना ही होगा। डार्क जोन होने में सिर्फ एक घंटा ही बचा है। I try my best, okay?
ओ क्या कर रहा है रोड पे? ओ भाई बाइक हटाओ ना। सॉरी रोड जाम कर रखा है। डार्क जोन में एंटर करने के लिए सिर्फ एक घंटे का वक्त है। छोटा सा भी क्लू नहीं मिल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुक क्यों गया? अबे आगे पुलिस है। ए चल चल इधर साइड लगा, साइड लगा। हेलमेट क्या है तेरा? सर जरूरी काम से जा रहा हूँ, भूल गया। लाइसेंस निकाल, लाइसेंस। सर जाने दीजिए ना सर। इस प्रोसेस में एक बार ये जो सैटेलाइट है सूरज और धरती के एकदम बीच में आ जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट, और यहां से आने वाले सन रेज की वजह से ये डार्क जोन बन जाता है। डार्क जोन ऑफ सैटेलाइट। एक सॉलिड सिस्टम चाहिए होगा, इसके लिए एक एक्सपर्ट टीम चाहिए होगी और एक एपिसेंटर चाहिए होगा। मतलब तेरी लैंग्वेज में बात करूं तो एक फेक सैटेलाइट बनाना होगा। रवि तू यहां पर क्या कर रहा है? वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू यहां क्या कर रहा है? मैं एक आईबी एजेंट हूं। वो मुझे पता है। व्हाट? खैर वो सब छोड़, मेरी बात ध्यान से सुन और सोच के बताना। तू अपने देश के लिए, यार देश में रहने वालों के लिए है ये। देश के लिए है मतलब देश को बर्बाद करने के लिए है ना? बर्बाद नहीं हो रहा है यार देश, ये तो शुरुआत है। इट्स अ रेनेसांस, एक फ्रेश मॉर्निंग। जैसे सूरज टाइम पे उगता है उसी तरह हर गरीब की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। हर कोई ये अकड़ दिखाता है ना कि हमारे पास पैसा है, सबके अकाउंट्स खाली हो जाएंगे, तब आएगी इक्वालिटी। किसी साइको की तरह बातें कर रहा है तू। जिस क्वालिटी के बारे में कह रहा है वो एक रात में नहीं आती है। कोई भी किसी शहर को एक रात में नहीं बना सकता है। पिछले हजारों सालों से इंसान समानता के लिए जद्दोजहद करते आया है।
लेकिन आज तक समाज में समानता नहीं ला पाया है। उसी की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। हाँ। Impossible। अगर मैंने तुझे आज रोका नहीं तो इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब लोग वो और भी गरीब हो जाएंगे। सिर्फ सोच बड़ी होने से कुछ नहीं होता, सही रास्ते पर चलना भी उतना ही जरूरी है। समानता के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लड़ाई सही उसूलों के साथ लड़नी चाहिए। शॉर्टकट से मंजिल तक पहुंचने की कोशिश बहुत डेंजरस होती है। अरे यार, जरा ठीक से सोच, तेरी वजह से हमारा देश डेंजर जोन में चला जाएगा। रवि, रवि, हे, रवि, He is the most dangerous। इस हैकिंग गैंग के पीछे जो इंसान था वो यही है। इसे ही ट्रेस करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। थैंक गॉड मुझसे पहले तुम पहुंच गए। ध्रुव, यू कैन गो नाउ। मिशन फिनिश्ड। मिशन नॉट फिनिश्ड येट। साइबर अटैक होने वाला ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे और विवेक को ही पता थी। उसे रोकने के लिए हमने एक टीम फॉर्म की। अचानक एक दिन शिवराम का मर्डर हो गया। सच जानना बहुत इजी है, उसके बाद उसे हैंडल करना मुश्किल होता है। विवेक मुझे अरेस्ट करके सच को मेरी लाश के साथ जलाने की सोच रहा था। अगर मेरी जान चली जाती तो सच भी मर जाता, इसलिए मैं वहां से बच निकला और अपना नाम बदल के सबके सामने मजिशियन बन के आया। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे बॉस ने मुझे करप्ट ऑफिसर बता के सस्पेंड किया। ऐसा कहूंगा तो तुम यकीन करोगे? बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। सो मैंने अनऑफिशियली तुम्हें शिवराम का केस सौंप दिया और तुम्हें फॉलो करता रहा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सारी बातों पर इसने यकीन कर लिया? He is not one of them. He is my winning horse. Guns down. ओके, जो हुआ वो तो पता चल गया। अब क्या होने वाला है ये तुम्हें नहीं पता। यहां जो होगा वो लाइव दिखना चाहिए। ओके सर। टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट। रवि, आंखें खोल। रवि, मुझे कुछ नहीं होगा यार। तू उसे रोक ना, तू उसे रोक यार, रोक उसे। रवि, तुम्हें कुछ नहीं होगा। I'm sorry यार, I'm sorry। सर, पासवर्ड सेम है सर।
ये मेरा सालों का सपना है। इसके लिए मैंने बहुत साल इंतजार किया। इस दुनिया के सबसे बेस्ट हैकर्स को मैंने हायर किया और शंकर कैलाश ने उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। उसके बाद कई सारे एजेंट्स को ट्रैप करके मैंने अपने सपने को सच करने की कोशिश की, लेकिन तूने ऐसा होने नहीं दिया। तब मेरे सामने आया रवि, हाईली क्वालिफाइड नेटवर्किंग मास्टर बट स्टूपिड एंड एक्साइटेड कम्युनिस्ट। दुनिया को बदलने की सोच रहा था, लेकिन मैंने उसे बदल दिया। और तुम लोग क्या हो रे? ये मॉरल्स, ये एथिक्स, ये समाज, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, दिस इज ऑल बुलशिट। आई एम गोइंग टू बी द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ। हैकिंग से मिलने वाले सारे पैसों को अपने इंटरनेशनल अकाउंट में डाइवर्ट करके उन पैसों से मैं एक न्यूक्लियर प्लांट एस्टैब्लिश करने वाला हूं। हिम्मत है तो रोक के दिखा। एक वक्त था जब मैं तुझे बहुत इज्जत देता था, बहुत कम उम्र में तू आईबी चीफ बन गया था, मेरा इंस्पिरेशन था। आई फेल्ट प्राउड ऑफ यू सर। तो अब तो और ज्यादा प्राउड फील होगा तुझे, क्योंकि कुछ मिनटों में ये सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे होगी। फील प्राउड, प्राउड। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, गलती तो हमारी है। बचपन से सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, उनके सिद्धांतों को पढ़कर उन्हीं को आदर्श बनाया सर। बहुत बड़ी गलती हो गई सर, आप ही सही हो। आप इंडिया में एक नई आइडियोलॉजी क्रिएट कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू सर। आप सोच रहे हो कि आप आसमान से भी ऊपर उठ गए हो, लेकिन आदमी कितना भी ऊपर जाए उसे धरती पर आना ही पड़ता है। रिमेंबर वन थिंग, असली अमीरी होती है देश की भक्ति। एक सच्चा अमीर इंसान वही है जो देश के लिए अपनी जान दे दे। इस देश पर जितने भी शहीद हुए हैं उन सब की कसम खाता हूं, तुझे इसी मिट्टी में काटूंगा। Yes, this one. ये कोड क्रैक करिए सर। मिशन कंप्लीट हो गया सर। तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो? अभी गेम खत्म नहीं हुआ है हैंडसम। मोहिनी? यस, मैं ही हूँ। शॉक हो गए क्या? वेल डन ध्रुव, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन याद रखो, तुम हमें कितना भी मारोगे हम लोग पैदा होते रहेंगे। तुम्हारे देश को पूरी तरह बर्बाद करने तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। इस शतरंज में तुमने अभी एक ही प्यादे को मारा है, जस्ट वन पीस। अभी आगे तो पूरा खेल बाकी है। तुम अकेले नहीं खेल सकते, थक जाओगे। अभिमन्यु भी अकेला ही था, लाखों कौरवों की सेना से अकेले लड़ने के लिए चक्रव्यूह में भी चला गया था। तो क्या हुआ, वो तो मर गया था ना। आज ये अभिमन्यु भी इस देश के लिए लड़ रहा है, फिर चाहे कोई भी चक्रव्यूह आए मैं निकल आऊंगा और तुम सबको मार दूंगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा। तो फिर आ जाओ, आई एम वेटिंग। आ रहा हूं मैं। काउंटडाउन बिगिंस।